डोन्ट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम इंटू कैटेगरी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो आप uh, कोई भी ऑर्गेनिज्म के मोफोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहे हो क्या क्या उसमें कैरेक्टर्स है क्या क्या सिमिलैरिटी है उस बेसिस पे उसको आधार करके आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डाल रहे हो कि दीज आर द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डॉग्स दीज आर ऑफ कैट्स दीज आर ऑफ मंकीज दीज आर ऑफ ह्यूमन बींग्स दीज आर ऑफ प्लांट्स तो आप अगर प्लांट्स का एक ग्रुप बना रहे हो डॉग्स का एक ग्रुप बना रहे हो तो कुछ तो आपने उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स देखा होगा कि सबका एक ही जैसा मोफोलॉजी है तभी तो आपने उनको ग्रुप्स में डाला तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे जो ग्रुप्स बनाते हैं इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं टेक्सॉन द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट बेस यूज इन साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन। तो स्टूडेंट्स टेक्सॉन कुछ नहीं है बस क्लासिफिकेशन का यूनिट है क्लासिफिकेशन के यूनिट को हम लोग टेक्सॉन कहते हैं अब नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी टेक्सनॉमी इज़ द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड गिविंग नेम्स टू दोज ग्रुप्स तो जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसका यूनिट टेक्सॉन होता है और नेमिंग के जो प्रोसेस होता है यानी क्लासिफाइंग का जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहा जाता है अब है कैरलस लनियस इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ़ टेक्सोनॉमी Father of taxonomy किसे कहा जाता है है। को। चार होता पहला है कैरेक्टराइजेशन दूसरा है आइडेंटिफिकेशन तीसरा क्लासिफिकेशन एंड चौथा है नॉमन क्लेचर इसे वन बाई वन इन डिटेल हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स

मतलब चलते आए समय के थ्रू uh, उससे क्या रिलेशन है एंसेस्टर्स के साथ और एक जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना ये इस पूरे स्टडी को सिस्टमेटिक्स कहा जाता है लिनेनियस यूज़ सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिस पब्लिकेशन उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हर आर्की ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी जब हम लोग कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं तो हर एक स्टेप्स जो उसमें होता है वो एक रैंक को या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है वेरियस स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हर आर्की आर कॉल्ड टेक्सोनिक कैटेगरीज और ये सारे स्टेप्स को जब मिलाकर बोलेंगे तो टेक्सोनिक कैटेगरीज बोलेंगे ईच लेवल इन द हर की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ही हर एक लेवल जाएगा वैसे ही ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते ही जाएगा मतलब जो स्पीसीज़ होगा वो बहुत ही सिमिलर होगा और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा किंगडम तक जाएगा तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा अलग अलग होगा तो ये आप आने वाले स्लाइड्स में समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ नेक्स्ट स्पीसीज स्पीसीज क्या होता है स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच द इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रेट अमंग दम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रेड कर सके और आपस में अपना पॉपुलेशन बढ़ा सके उसे स्पीसीज कहा जाता है वो एक कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेंबर ऑफ अ स्पीसीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स और उनके जो ऑर्गेनिज्म हैं आपस में वो सारे के सारे एक जैसे होते सिमिलर होते हैं सिमिलर इन फूड हैबिटेट सिमिलर इन स्लीपिंग हैबिटेट इन रिप्रोडक्शन हैबिटेट मतलब वो जहाँ पर भी रहते हैं सराउंडिंग उनका जो एक्टिविटी होता है वो सारा चीज वो लोग है जो आपस में सिमिलर सेम टाइप का होता है एग्जाम्पल हो गया इसमें मैंजिफ्रा इंडिका मैंगो सोलेनम ट्यूबरसम पोटेटो पैंथ्रलियो लायन। ये स्पीसीज के एग्जाम्पल हो गए सो नेक्स्ट इज जीनस जितने सारे सिमिलैरिटी हम लोग को स्पीसीज में देखने को मिल रहे थे उससे लेस सिमिलैरिटी हम लोग को जीनस में देखने को मिलेंगे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अब जो है स्पीसीज से वो ज़्यादा हो गया है जीनस में तो इसे स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो स्पीसीज है वो क्लोजली रिलेटेड होगा ठीक है तो मतलब जीनस तो एक ही होता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग भी हो सकते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम इन तीनों का जो जीनस है वो सेम है दैट इज़ सोलेनम लेकिन स्पीसीज़ जो है वो तीनों का अलग अलग है पोटैटो का अलग है टोमेटो का अलग है एंड ब्रिंजल का अलग है जब आप इसके बोटैनिकल नेम्स पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि तीनों के स्पीसीज़ का नाम डिफरेंट है और जीनस का नाम सोलेनम है लायन जिसका नाम है पैंथरा लियो लेपर्ड पैंथरा पार्डस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस तो इसमें आप देखिए कि पैंथरा वर्ड तीनों में ही आ रहा है दैट इज जीनस एंड लियो पार्डस टिग्रस ये सारे स्पीसीज हैं तो जीनस एक जीनस के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं आर मेंबर्स ऑफ द जीनस पैंथरा नेक्स्ट आता है फ़ैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इज कॉल्ड फैमिली अब ऐसा ग्रुप जिसमें जीनस क्लोजली रिलेट हो रहा है जैसे जीनस था क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीसीज जहाँ पे स्पीसीज क्लोजली रिलेट हो रहा था अब जहाँ जीनस क्लोजली रिलेट हो रहा है उसे फैमिली कहते हैं फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फ़ीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज़ फैमिली को हम लोग दोनों बेसिस पे क्लासीफाई uh, करते हैं चाहे वो वेजिटेटिव मीन्स हो या फिर रिप्रोडक्टिव मीन्स हो एग्ज़ाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलिनम पेटूना एंड धतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलिनसी तो ये तीनों क्या है अलग अलग जीनस सोलिनम पेटूनिया एंड धतुरा लेकिन इन तीनों का जो फैमिली है वो सेम है दैट इज सोलिनसी एनिमल्स में वैसे ही जीनस पैंथरा जीनस फेलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलीडेई वो पैंथरा और फेलिस दो जीनस का नाम है लेकिन फैमिली फेलिडे के अंडर में आता है दैट इज सेम तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है समझने काेंगे ऑर्डर करेंगे ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर एग्जाम्पल हो गया प्लांट फैमिली लाइक कॉन्विलेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियोल्स तो ऑर्डर है पॉलीमोनियोल्स और इसके अंदर में फैमिलीज़ क्या क्या आ रहा है कॉन्विलेसी एंड सॉलिनेसी तो यहाँ पे क्या हो रहा है फैमिलीज़ जो है उसको रिलेट किया जा रहा है वैसे एनिमल्स का एक एग्ज़ाम्पल हो गया फेलीडे एंड कॉन्सेडे बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा ये दो फैमिली का नाम है और ऑर्डर का नाम है कार्नी वोरा दे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आप अलग अलग रेफरेंस बुक या आ, मतलब गूगल पे भी देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मैंने बस आपको लर्न समझाने के पर्पज से दो एग्जाम्पल ई स्लाइड में मैंने लेकर आपको समझाया आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक नाउ नेक्स्ट इज क्लास क्लास इज अ मेजर कैटेगरी मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर अब जहाँ पे ऑर्डर्स का रिलेशन हो रहा है जहाँ ऑर्डर्स को रिलेट किया जा रहा है वो होता है क्लास दैट वॉज अ सर्टेन सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर एग्जाम्पल हो गया क्लास मैमिलिया हैज़ ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्वोरा प्राइमेटा इंसेक्टिवरा एसेट्रा ऑल पर्जेस मैमरी ग्लैंड एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर मतलब ये सारे जितने भी ऑर्डर्स है वो चाहे कार्निवोस के हो या फिर रैट्स के हो प्राइमेट्स के हो इंसेट्स के हो इन सब में कुछ सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स है जैसे मैमरी ग्लैंड सब में है और ये सारे मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं और एक्सटर्नल ईयर्स है और बॉडी में हेयर्स होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है लेकिन इन सब का क्लास सेम है दैट इज़ मैमलिया ये सारे मामिलिया के अंडर में ही आते हैं नेक्स्ट इज फाइलम ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस जहाँ पे क्लासेस रिलेट हो रहे हैं उसे फाइलम कहेंगे इन प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डिविजन ठीक है लेकिन प्लांट किंगडम में फाइलम वर्ड की जगह डिविजन वर्ड यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल पाइस एम्फीबिया रिप्टीलिया एव्स मामीलिया बिलोंग टू द फाइलम कॉडिटा ये सारे क्या हैं पाइसेस, एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स मैमेलिया, ये सारे क्लासेस हैं और इन सब का एक ही फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा नेक्स्ट इज किंगडम किंगडम ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड किंगडम जहाँ पे सारे फाइलम्स रिलेट हो रहे हैं उसे कहेंगे किंगडम और ये सबसे हाइस्ट स्टेप ऑफ हरारकी है कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ हरार्की है एग्जाम्पल द किंगडम प्लांटे कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्राम वेरियस डिविजन अलग अलग डिविजन से सारे प्लांट्स इसके अंडर में आएंगे ऑल हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच आर यो कैरियोटिक एंड लैक अ सेल वॉल आर केप्ट अंडर एनिमल किंगडम जो सारे यो कैरियोटिक है और जिसके पास सेल वॉल नहीं होते सेल वॉल एबसेंट होते इन प्लांट्स तो वो सारे को एनिमल किंगडम में रखा गया है तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स हरारकी आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आगे के स्लाइड्स के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग